अब कहानियाँ बदल चुकी हैं, अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं, हमारी भाषा में कहते हैं जमीन में गाड़ चुके हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया। सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत गए साथ में सचिन पायलट भी गए, सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है। हम एक संगठन है जो 6 साल पहले हर 6 साल पर चुनाव कराते हैं, हम किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है, हम किसी परिवार, गांधी परिवार तथाकथित, मैं उसको फर्जी गांधी परिवार कहता हूँ, जबरन छीन करके उन्होंने गांधी का नाम अपने आगे लगा लिया है ना, लगा लेने से गांधी थोड़े ही हो जाते हैं। करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं हम लोग, अभी 1.25 करोड़ से कम मेंबर हम यहाँ नहीं बनाने वाले हैं, तो हम राजस्थान में इतनी बड़ी संस्था है, नियुक्तियाँ हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं भी यहाँ का प्रभारी नहीं रहूँगा। भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी राधे मोहन अग्रवाल जी आज टोंक पहुँचे हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। देखिए खासतौर से आप उपचुनाव को लेकर फोकस कर रहे हैं और प्रदेश में 6 जगह उपचुनाव होना है, किस तरह की तैयारी को लेकर यहाँ पर आए? अभी हम उपचुनाव को लेकर फोकस नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा जो मूल अभियान चल रहा है वो सदस्यता का अभियान चल रहा है, तो हम प्रयास कर रहे हैं इस प्रदेश की सारी विधानसभाओं 200 विधानसभाओं में जाना, वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना बैठना, संगठन का जो शास्त्र है, संगठन के जो सिद्धांत हैं उनको बता करके उनके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या में अपने नए कार्यकर्ताओं को विकसित करना। हम एक संगठन हैं जो 6 साल पहले हर 6 साल पर चुनाव कराते हैं, हम किसी व्यक्ति की संस्था नहीं है, हम किसी परिवार, गांधी परिवार तथाकथित, मैं उसको फर्जी गांधी परिवार कहता हूँ, जबरन छीन करके उन्होंने गांधी का नाम अपने आगे लगा लिया है ना, लगा लेने से गांधी थोड़े ही हो जाते हैं, तो हम तो किसी व्यक्ति पर आधारित, परिवार पर आधारित, ये जो हमारे कार्यकर्ताओं का संच है, इनमें से कल कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा किसी को पता ही नहीं है, कोई भी बन सकता है, हम तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। खासतौर से ऐसे समय पर नियुक्ति हुई है जब 6 जगह उपचुनाव भी है? नहीं, ऐसे समय पर नियुक्ति हुई है मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, संगठन को ठीक से किया जाता है चुनाव के बाद, इसलिए उस दौरान नियुक्ति हुई है, आदेश उद्देश्य यही है कि संगठन को, हमारा संगठन पहले से बहुत मजबूत है, जमीन पर है, कार्यकर्ताओं का संच है हमारे पास, करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं हम लोग, अभी 1.25 करोड़ से कम मेंबर हम यहाँ नहीं बनाने वाले हैं, तो हम राजस्थान में इतनी बड़ी संस्था है, नियुक्तियाँ हमारे यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है, पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं, आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कुछ दिनों बाद मैं भी यहाँ का प्रभारी नहीं रहूँगा, हमारा काम है संगठन को ठीक करना, संगठन की जो कुछ चूल्हे ढीली हो उनको ठीक करना, एक संगठन के आधार पर अनुशासित कार्यकर्ताओं की संच को लेकर के। आज आप उस गढ़ में हैं जिसको सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, यहाँ एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, देखिए ऐसा है किसी ज़माने में सचिन पायलट का गढ़ हुआ करता था, अब कहानियाँ बदल चुकी हैं, अब यहाँ के लोग सचिन पायलट को भूल चुके हैं और उनको जमींदोज कर चुके हैं, हमारी भाषा में कहते हैं जमीन में गाड़ चुके हैं, अब वो यहाँ का कोई बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व तो नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत का ज़माना गया, सचिन पायलट तब तक थे जब कांग्रेस में अशोक गहलोत थे, अशोक गहलोत गए साथ में सचिन पायलट भी गए, सारा गुर्जर समाज इसके आसपास का हमारे पास है, सारा मीना समाज हमारे पास है, सचिन पायलट के पास, अभी आप देखिएगा जब चुनाव की घोषणा होगी तो हम लोग चुनाव के लिए आएंगे, ऐतिहासिक मतों से हम लोग इस विधानसभा को, देवली न्यारा विधानसभा को जीतेंगे, अभी तो हम सिर्फ 2000 वोट से लोकसभा में चुना, 2000 के वोट का पिछड़ा अंतर रहा है, 2000 वोट रहे होते तो हम उनको हरा चुके होते, तो इस नाते हमारी पिछले 6 महीनों से सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, ये 2000 क्या हम 20,000 वोट इकट्ठा कर लेंगे अपनी सरकार के काम के आधार पर? वो गया जमाना जब कभी किसी का कोई क्षेत्र नहीं होता, आज भारतीय जनता पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की विधानसभा है, मैं इसकी गारंटी। राजस्थान के अंदर दिल्ली पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करती है, अलकायदा से जुड़े हुए एक संगठन के आदमी हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे, किस ओर इशारा कर रहा है ये सब कुछ? एक और इशारा कर रहा है, इस देश में जब से 2014 से महात्मा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भाजपा विरोधी ताकतें घबरा चुकी हैं, भाजपा विरोधी ताकतें भाजपा की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को किसी भी स्तर पर जाकर के नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसके लिए वो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक हिस्सा बन चुकी हैं, एक इकोसिस्टम उन्होंने बना लिया है, पिछले चुनाव में कुछ मुद्दे खड़े किए थे, अब पुनः कोई मुद्दा खड़ा करना चाहते हैं, आपने देखा कल परसों बंद कराया, मैं आभारी हूँ राजस्थान के लोगों का, ये बंद राजस्थान में पूरी तरह असफल रहा, इसलिए असफल रहा क्योंकि उस समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक करके कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानेंगे, हम आरक्षण को नहीं करेंगे,
बाहर के लोग यहाँ के हथियार की फैक्ट्री चलाते हैं, ये स्टेट इंटेलिजेंस का कितना बड़ा फेल्योर मानते हैं? नहीं, कोई फेल्योर नहीं है। हम एक सुनिश्चित व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में काम करते हैं, तो सारे इंटेलिजेंस हम इकट्ठा करते हैं और जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक हम किसी की गिरफ्तारी। तो ये थे भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी राधे मोहन जी अग्रवाल, जिनका कहना था कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि भारत को या पीएम मोदी जी का जो नेतृत्व है उसको कमज़ोर करने में जुटी हुई हैं। साथ ही उनका कहना यह है कि जहां वो आ जाएं वो कभी सचिन पायलट का गढ़ होता होगा, आज ये भाजपा का गढ़ है। राजस्थान तक के लिए टॉक से मैं मनोज तिवारी।